हाइलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा सा प्रसाद कह सकते हैं बनाने जा रहे हैं। तो जो भंडारे में छोले आलू की सब्जी और चावल मिलते हैं, आज हम यहाँ पे वही बनाएंगे। बिना प्याज और लहसुन के ये छोले बनाए जाते हैं क्योंकि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भंडारे वाले छोले आलू की सब्जी और चावल बनाना। तो यहाँ पे जो हम भंडारे वाले छोले चावल बनाने जा रहे हैं, तो क्योंकि छोले बनाएंगे और पूजा में यूज होते हैं, तो उसके लिए तो हमें प्याज और लहसुन की उसमें जरूरत नहीं होती। तो ये हमने छोले उबाल के रख लिए हैं पहले से ही, तो बस हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको। और ऑयल थोड़ा गरम किया है, उसमें जीरा डालेंगे, साथ ही साथ तेज पत्ता और काली इलायची बड़ी, और अब इसी में हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, और साथ ही साथ हींग हम ऐड करेंगे। और इन सभी चीजों को डाल के थोड़े से हमने उबले हुए आलू लिए थे, इस तरह से इसके पीसेस किए हुए हैं, ये हम डाल देंगे। और आलू को मसाले के साथ डालने के बाद इसमें हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है, टमाटर पीस किए थे हमने, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें कुछ मसाले हम और डालेंगे, पहले तो ये धनिया पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये इसमें अनारदाना पाउडर डालेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, और नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, अभी जब हम छोले इसमें डालेंगे तब हम नमक का यूज करेंगे इसमें। और पहले इसे कम से कम 5-6 मिनट के लिए हम पकाएंगे, जो टमाटर हमने इसमें डाले थे, उसके बाद में हम इसमें छोले ऐड करेंगे। 5-6 मिनट हो गए, बिल्कुल बढ़िया, ये देखिए मसाला बन के एकदम रेडी हुआ है। तो अभी इसमें हमने जो छोले उबाल के रखे हुए थे, हमने छोले में कुछ नहीं डाला, सिंपल नमक डाल के थोड़ा सा उबाले थे, तो ये छोले हम इसमें डाल देंगे। और छोले डालने के बाद अब इसमें नमक ऐड करेंगे, और अब इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें डालना है, क्योंकि अगर छोले उबालते टाइम आपने नमक डाला है तो उसी हिसाब से आप रखेंगे ताकि ज्यादा ना हो। फिर तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे इसमें बस 2 टेबल स्पून मैं छोले मसाला डालूंगी, ऑप्शनल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अनारदाना पाउडर डाला हुआ है, तो आप छोले मसाला नहीं भी यूज करेंगे तब भी वो टेस्टी बनेंगे। और इसे हम पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, इसको एज इट इज हम पकाएंगे, उसके बाद में ये भंडारे वाले छोले आलू बनके रेडी हो जाएंगे, और साथ ही साथ फिर एक साइड हम चावल बना लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो गए, हमने इसे पका लिया था, और कितने बढ़िया एकदम भंडारे वाले छोले आलू बनके रेडी हुए हैं। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें प्याज और लहसुन के बिना बने हुए हैं ये, और एकदम परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती हम डाल देते हैं। तो छोले तो हमारे बनके रेडी हो गए, अब एक तरफ हम चावल भी बना लेते हैं। और चावल के लिए हम प्रेशर कुकर में ये चावल हम धुल के लेंगे, इसे हम डाल देंगे, और सिंपल जैसे चावल हम बनाते हैं उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। और अब इसमें पानी डालेंगे हम, और ये चावल में हमने पानी डाल दिया है, और सेम जैसे चावल हम बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। तो पानी डालने के बाद में इस तरह से हाथ से हम जब इसको यूं करके इस तरह से आप चावल ऐसे नापोगे तो जितना इस आपकी इस उंगली का इतना यहाँ तक का हमें पानी इसमें डालना होता है। और साथ ही साथ इसमें लौंग हम थोड़ा सा डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे, और अब इसे पकने के लिए हम रख देंगे।
चावल हमने रख दिए हैं गैस पे, तो यहाँ अगर आपके प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी सीटी आ जाती है, तो आप दो सीटी लगाएं, और अगर थोड़ा सा देर में प्रेशर बनता है तो एक सीटी में ही चावल बन के रेडी हो जाएंगे। और चावल भी बन के रेडी हो गए हैं, सारा प्रेशर इसका रिलीज हो गया है चावल का, इसे ओपन हम कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम छोले चावल बनके रेडी हुए हैं, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल बढ़िया एकदम भंडारे वाले छोले चावल बनके रेडी हो गए हैं, बिना प्याज और लहसुन के छोले बनाए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।